jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 12 दिसंबर को क्रिकेटर युवराज सिंह का 36वां बर्थडे है। जब वह यहां वाद ब्लू सी शोरूम का इनॉग्रेशन करने पहुंचे थे, युवी को देखने के लिए सैकड़ों फैंस मॉल के पास उमड़ पड़े। सेल्फी लेने के चक्कर में भीड़ बेकाबू हो गई और धक्का मुक्की होने लगी थी। उनके साथ कंपनी के CEO साजमिन कारा भी थी, जो भीड़ की वजह से गिरने की स्थिति में आ गई। ऐसे में यवराज ने खुद अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए उन्हें भीड़ से बाहर निकाला। बता दें, भीड़ को बेकाबू देख युवराज सिंह फैंस पर नाराज भी हुए, क्योंकि वे कई बार खुद भी गिरते गिरते बचे। ऐसे में मौके पर PAC बुलानी पड़ी। जब वो होटल पहुंचे तो मीडिया से मुलाकात की। हालांकि सबसे पहले वाइद ब्लू सी कंपनी की CEO साजमिन कारा ने आकर अपना इंट्रो दिया। आपको कैंसर से लड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत कहां से आई? मेरी माँ मेरी हिम्मत और ताकत है। उन्होंने ही मौत के जंग में मुझे लड़ने का जज्बा दिया। मेरी कैंसर से फाइट में माँ की अहम भूमिका रही। कैंसर पेशेंट के लिए उसके घर वाले और दोस्त ही उसे लड़ने में मदद कर सकते हैं, और मुझसे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। क्या आपको कभी लगा कि आप कैंसर से हार रहे हो? हाँ, लगता था फाइट हार जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं माना। कंट्री के लोगों ने मेरे लिए दुआ किया। आज सबसे के लिए मैं शेल हूँ। वापस आकर फिर टीम में क्रिकेट खेल रहा हूँ। कैंसर के दौरान आपका दिन क्या सोचकर कटता था? बस एक बात सोचता था, मुझे वापस इंडिया के लिए खेलना है। डॉक्टर ने मुझे एक दिन बोला, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर जोश आ गया। कैंसर से पहले आप ऐसे पीड़ितों को देखकर क्या सोचते थे? कैंसर पीड़ित तो देखकर पहले बहुत खराब लगता था, बाद में एहसास हुआ कि कितना खतरनाक है। बस उसी समय मन बनाया कि अधिक से अधिक लोगों की मदद कर पाऊं। कोई भी पुराना कट हो या बीमारी महसूस हो तो टेस्ट जरूर कराएं। हमारा ट्रस्ट कैंसर पीड़ितों के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है।